नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे सपनों के ऊपर। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपना देखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सा सपना किस समय आता है। विशेष समय का देखा हुआ सपना अक्सर सच होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के सपने अधिकतर सच होते हैं, क्योंकि इस वक्त को अमृत बेला, चंद्र बेला और ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस वक्त में दैवीय शक्ति भूमंडल पर स्थित होती है और जीव व निर्जीव वस्तु पर प्रभाव डालती है। 3 बजे से 6 बजे तक के बीच में देखे गए सपनों का फल 6 महीनों के अंदर मिलता है। रात्रि में 10 बजे से 12 बजे तक देखे गए सपने का कोई अर्थ नहीं होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार रात 12 बजे से 1 बजे तक देखे गए सपनों का फल 3 साल में प्राप्त होता है, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। रात 1 बजे से 2 बजे तक देखे गए सपनों का फल 1 साल में प्राप्त होता है, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। अगर आप शुभ सपना देखते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप अशुभ सपना देखते हैं तो आपको एक उपाय करना आवश्यक है। हमें सपने क्यों आते हैं? हमारा शरीर 5 महाभूत तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से मिलकर बना हुआ होता है। इन 5 महाभूत तत्व को ही प्राण शक्ति बोलते हैं। प्राण शक्ति के ऊपर ही आत्मा का वास होता है। जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं तो हमारा शरीर सो जाता है, परंतु हमारी आत्मा जागृत अवस्था में रहती है और वह ब्रह्मांड में गमन करती है। हमारी जागृत आत्मा की प्रेरणा के कारण हमारी जो बुद्धि, जो 3 तरह की होती है, चेतन, अवचेतन, अतिचेतन, जो हमारे द्वारा भूतकाल में किए गए कार्य और वर्तमान काल में हम जो कार्य कर रहे हैं उसको जोड़कर स्वप्न के माध्यम से संकेत देती है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे स्वप्न फल आते हैं, और अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो बुरे स्वप्न फल आते हैं। क्या होता है सपने में शनिदेव का आना? क्या ये बुरे वक्त के आने की खबर होती है या उनके प्रसन्न होने का संकेत? चलिए बात करते हैं। शनि महाराज को लेकर सभी व्यक्तियों में बहुत भय बना होता है, कहीं भगवान शनिदेव नाराज ना हो जाएं। इसके लिए कई उपाय भी करते हैं, उन्हें तेल चढ़ाना, हर शनिवार को मंदिर जाना इत्यादि। हर व्यक्ति के अंदर शनिदेव को लेकर एक भय बना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि देव सिर्फ बुरे कर्म करने वालों को ही सताते हैं, इसलिए हर किसी व्यक्ति को उनसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि सपने में शनि देव का दिखना, दर्शन देना कैसा होता है, स्थिति क्या है। अगर आप उनकी पूजा करते हुए आप उनकी मूर्ति देख रहे हैं कि आप उनको तेल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, दीप द्वारा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो इसमें आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। यह सपना एक शुभ फलदायक सपना है, उनकी सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा और आपके जितने भी कष्ट जीवन में चल रहे हैं अब उन संकट का, उन कष्टों का अंत होने का समय आ चुका है। यह सपना इस बात की ओर संकेत कर रहा है। धन्यवाद।